सर्दियों के मौसम में अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में तो सर्दी ने हाल बेहाल करके छोड़ दिया है, और आने वाले दिन में ये सर्दी और बढ़ सकती है ऐसा बताया गया है। तापमान जो है उसमें और कमी आएगी, और साथ ही हम अगर इधर मुंबई या पुणे साइड भी देख ले, इस एरिया में भी तो ठंड का जो वातावरण है वो बढ़ता जा रहा है, तापमान घट रहा है। अब ऐसे में खुद का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, तो सबसे पहले बताइए कि खुद का ध्यान कैसे रखें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, भीषण ठंड है, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर है। और देखिए, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते आपको एक चीज बता दूं कि जो खास करके जो हार्ट की परेशानियां हैं वो सर्दियों में बहुत बढ़ जाती है। और इसका जो एविडेंस है, ये 1937 में एक पब्लिश डेटा था, उसमें कहा गया था कि सीजनल ट्रेंड है हार्ट डिजीज की। तो हार्ट डिजीज जो खास करके जैसे एंजाइना है, हार्ट अटैक है, सडन कार्डियक डेथ है, हाई ब्लड प्रेशर है, एओर्टिक रप्चर है, इन सब का इंसिडेंस जो है 12 चीजें हैं जो बढ़ जाती है ठंड में। और ये पब्लिश डेटा है, ये कोई नई बात नहीं है। और खास करके ये जो टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है या कॉरिलेशन है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने के बाद ही शुरू हो जाता है। और आप उत्तर भारत में अभी देखें, 1 डिग्री दिल्ली में, 1.5 डिग्री, 1.8, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें निश्चित तौर पे काफी ज्यादा हार्ट अटैक बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और ये हार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, हार्ट फेलियर जो जिनके हार्ट फंक्शन कम होती है उनको भी ज्यादा परेशानी हो जाती है। खास करके कई इस तरह के इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन जो है वो सर्दियों में बहुत बढ़ जाते हैं। और अमूमन ऐसा हम लोग बताते भी हैं कि आपको एक फ्लू शॉट जरूर लेना चाहिए, खास करके जो बुजुर्ग हैं जिनको ऑलरेडी जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जो डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं, या जिनकी पहले एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उन लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। और चूंकि फ्लूड का जो एक्सक्रीशन है, टेम्परेचर कम होने की वजह से फ्लूड जो है बॉडी से कम निकल पाता है, तो फ्लूड इनटेक अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं सर्दियों में, जैसे चाय कॉफी के रूप में, और अल्कोहल तो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि अल्कोहल एक वेजोडायलेटर है, नस को फैलाता है, और इससे आपको एक वार्म सी फीलिंग आती है, बट वास्तव में जो ये ब्लड है, वाइटल ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सर्दियों में इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका कोल्ड के साथ कितना एक्सपोजर है, तो आप इसको मिनिमाइज कीजिए, कम से कम बाहर निकलिए, बाहर निकलते हैं तो पूरे लेयर्स में कपड़े पहन के चलें, सर को और ग्लव्स वगैरह पहनना, टोपी जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि हेड का सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है, वहां से बड़ा हीट लॉस होता है। पैरों में जूते और सॉक्स वगैरह डाल के रहें, और निश्चित तौर पे ठंड के समय मॉर्निंग वॉक को ना करें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में वॉक जो है वो काफी आपको कोल्ड को एक्सपोज करता है, खास करके दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे की पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा, AQI करीब करीब पिछले 15-20 दिन से बहुत खराब है, और PM2.5 जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज से ज्यादा हार्ट के लिए प्रभावित करता है। तो मुझे ऐसा लगता है ठंड में दोहरी मार होती है, और खास करके अब जो 3 साल से हम लोग कोविड झेल रहे थे उसके बाद हम लोगों ने ये चीज देखा है कि जो ब्लड जमने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही कोविड की वजह से ज्यादा है, इंडोथेलियल डैमेज हो गया है, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है वो डैमेज।